और उसके लिए हम रात को भिगो कर रख दिए थे ये बड़े वाले चने जिसको काबुली चना बोला जाता है। और इसको अच्छे तरीके से हम साफ कर लिए हैं अच्छे पानी से। 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इसको कट करके रख लिए हैं। अब दोनों को हम मिक्स करेंगे, कुकर में डालेंगे। इसको हम कुकर में डाल दिए और इस प्याज को भी हम मिक्स कर देंगे इसमें अच्छे से। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे, इसको हम ढक्कन लगा के गैस पे 5 सीटी लगने तक हम इसको इसको उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। 5 सीटी में ये 5 सीटी में उबल जाएगा जब तक हम भटूरे की तैयारी कर लेते हैं। हम मैदा को छन्नी छन्नी से छान कर ले लिए हैं। ये हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, इसमें डालेंगे थोड़ी सी हम चीनी। चीनी डालना जरूरी होता है क्योंकि इसमें इसे खमीर आता है। इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा सोडा डालेंगे, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे, 2-3 चम्मच तेल डालेंगे, एक सेकंड। अब इसमें हम 1 कप फ्रेश दही डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको गूंथ के अच्छे से रख देना है 2-3 घंटे के लिए। इसको गूंथ के अच्छे से रख देंगे। मेरा मैदा ये देखिए ये फूल के एकदम अच्छे से ये हो गया है, कितना फ्लफी फ्लफी लग रहा है फूला हुआ। मेरा मैदा भी रेडी है, अच्छे से फूल गया है ये। अब इसको मिक्स करके इसको हम एक साइड करके रख लेंगे जब तक हम चलते हैं। मेरा मैदा ये देखिए ये फूल के एकदम अच्छे से ये हो गया है, कितना फ्लफी फ्लफी लग रहा है फूला हुआ। मेरा मैदा भी रेडी है, अच्छे से फूल गया है ये। अब इसको मिक्स करके इसको हम एक साइड करके रख लेंगे जब तक हम चलते हैं। देखिए मेरा छोला बॉयल होकर रेडी हो गया है, अब इसको चलते हैं हम बनाने के लिए। बहुत अच्छे से प्याज भी इसमें गल गए हैं। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस पे, कढ़ाई मेरी गर्म हो रही है। ले लिए हैं ये, तब तक कुछ मसाले ले लिए हैं। ये 2 तेज पत्ता है, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 फूल है और 4 लौंग है, 2 हरी मिर्च, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा, अदरक लहसुन काली मिर्च, जीरा का पेस्ट है ये, लाल मिर्च पाउडर है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, तीखा अपने अनुसार आप बना सकते हैं कम या ज़्यादा, ये धनिया पाउडर है और ये नमक है। इसमें हम डालेंगे तेल, तेल मेरा गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे खड़े मसाले, 2 हरी मिर्च, 2 मिनट इसको भूनने, 1-2 सेकेंड इसको भूनने के बाद डालेंगे इसमें अदरक लहसुन और जीरा काली मिर्च का पेस्ट। ये मेरा 2-3 सेकेंड भून चुका है। इसमें डालेंगे सूखा मसाला, गैस हमेशा लो फ्लेम पे ही मसाला भूने। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। दो मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से पकते रहे। गैस को एकदम लो फ्लेम पे ही रखेंगे ताकि मसाला मेरा जले। हम जो काबुली चना और प्याज को बॉयल किए हैं उसको, प्याज और काबुली चना को एक साथ इसमें से निकाल के अलग प्लेट में डालेंगे। हम
हम इसको निकाल के अलग से रख लिए। तरफ मसाले की तरफ चलते हैं एक बार। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि मेरा मसाला जले नहीं। अब इसको फिर 2 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे। अभी हम इसको काबुली चना और प्याज को अलग से निकाल के रख लिए। और देखिए ये मेरा प्याज वाला पानी बच गया है, पानी बच गया। इसी पानी को हम सब्जी में छोले में यूज करेंगे, इसी पानी को हम छोले में डालेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि अब ये मेरा मसाला हो गया है रेडी, अच्छे से भुन चुका है ये। अब इसमें हम डालेंगे ये प्याज और चना, दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे गरम मसाला। गैस को मीडियम फ्लेम करेंगे और मीडियम फ्लेम कर पे इसको 5 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मेरा प्याज और अच्छे तरीके से इसमें गल के। अब मेरा छोला हो गया है रेडी भुनाकर। अब इसमें हम थोड़ी सा इसको चलाकर इसमें पानी डालेंगे, वही पानी हम इसको इसमें डालना है जो मेरा प्याज का पानी था, जिसमें हम छोला उबाले थे वो पानी। अदर हम कोई पानी नहीं डालेंगे, अलग से कोई पानी नहीं डालना है। इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सादा पानी डाल देंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए कितना अच्छा अभी ही दिखने में लग रहा है। मैं थोड़ा सा हम कस्तूरी मेथी को भूनेंगे। इसमें कस्तूरी मेथी डाल चुके हैं, फिर ऊपर से इसमें हम धनिया का पत्ती डालेंगे थोड़ा सा। मेरा छोला बनके रेडी हो गया, देखिए कैसा लग रहा है आप लोग। इसी तरीके से आपको जितने भी भटूरे बनाने होंगे आप बना सकते हैं, और खाने में बहुत ही अच्छे, बहुत टेस्टी लगता है, और एकदम नेचुरल तरीके से, बिहारी तरीके से बनाए हैं। बहुत लोग छोले में चाय पत्ती डाल देते हैं काला होने के लिए, बट हम लोग इसमें कुछ नहीं डाल तो डाल देते हैं। देखिए कितना अच्छा फूला फूला भटूरा बन रहा है मेरा। देखिए छोला भटूरा बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।